नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिम जमी। झारखंड के आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोग 12 नवंबर को राजधानी रांची जाएंगे। पंचायत चुनाव रद्द करने के लिए 12 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे स्वशासन व्यवस्था के लोग। 5 तारीख को टाना भगत भवन रांची में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोगों का बैठक संपन्न हुआ। बैठक में 12 तारीख को होने वाले धरना का तैयारी की। धरना प्रदर्शन में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोग पहुँचेंगे। बैठक में आदिवासियों ने बताया, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव असंवैधानिक है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव असंवैधानिक बताया। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का मांग है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव असंवैधानिक है, इसलिए असंवैधानिक पंचायत चुनाव को अविलंब रद्द करने की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर सभी जिलों से स्वशासन व्यवस्था के आदिवासी आएंगे, जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका सहित संथाल परगना के सभी जिले से आएंगे। इधर खूंटी, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा सहित हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह से भी पारंपरिक वेशभूषा में स्वशासन व्यवस्था के प्रतिनिधि भारी संख्या में शामिल होंगे, जिसकी तैयारी चरम सीमा पर है। जोहार, मैं दुर्गाचरण मुर्मू, तालसा गांव के मस्जिद बाबा, जमशेदपुर प्रखंड, जुगसलाई तरफ, धारदी सोम, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से। तो आज हम लोग टाना भगत अतिथि गृह यहाँ रांची में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एक 12 तारीख को जो राजभवन में टमक गुड़ो धरना प्रदर्शन है, उसका बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं और तैयारी समीक्षा कर रहे हैं। तो जहाँ तक सभी जगह से खबर है कि वृहद स्तर पर तैयारी चल रही है और संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन करके हम अपना बात को राज्यपाल महोदय से अवगत कराएंगे, उसके माध्यम से सभी राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराएंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव असंवैधानिक है, इसको रद्द किया जाए अविलंब, और यहाँ स्वशासी परिषद ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए, ताकि यहाँ का जनजाति समुदाय अपना विकास अपने स्तर से अपने रूप में अपने समाज को रखते हुए, संस्कृति को बचाते हुए अपना विकास करे। तो नियंत्रण और प्रशासन जो है वो स्वशासन पर जो है व्यवस्था है, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को लागू किया जाए और यहाँ पंचायत चुनाव को रद्द किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। जोहार सभी को, मैं दीपक मुर्मू, डिमना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डिमना ग्राम के मझी बाबा। आज टाना भगत अतिथि गृह बनहोरा हेहल में झारखंड के 5 आदिवासी समुदाय, संथाल, हो, खड़िया, मुंडा, उराव, जो स्वशासन व्यवस्था के अगुआ लोग हैं, आज उनका एक तैयारी बैठक हुई। और तैयारी बैठक आने वाला जो 12 तारीख को आयोजित, ये 5 समुदाय द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 5 समुदाय द्वारा आहूत 12 तारीख को राजभवन रांची में धरना प्रदर्शन के बाद, उस पर गहन विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया है कि आने वाले दिन जो राज्य सरकार के द्वारा गैर संवैधानिक रूप से ये जो पंचायत चुनाव कराया जाना है, उनका विरोध के लेके हम लोग इसका तैयारी बैठक है। और ये निर्णय लिया गया कि ये उस दिन जो है ना भारी संख्या में ये 5 समुदाय के अलावा और 32 समुदाय जो आदिवासी समुदाय जो स्वशासन व्यवस्था के समुदाय हैं, वो लोग आएंगे, अगुआ लोग आएंगे और अपने पक्षों को एक संवैधानिक तरीका से राज्यपाल महोदय के पास में रखेंगे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से। और ये तैयारी समीक्षा की गई है और हमारा ये संथाल समुदाय से भारी संख्या में हमारे देश परगना बाबा के नेतृत्व में, तौरव परगना बाबा के नेतृत्व में सभी स्वशासन व्यवस्था के जो अगुआ है, मझी बाबा लोग हैं, वो लोग आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और राज्य सरकार से और हमारे राज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन करेंगे कि आप जो शेड्यूल क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में जो ये गैर संवैधानिक चुनाव, पंचायत चुनाव जो है, ये आगामी महीना में होने वाला है, इनको अविलंब रद्द किया जाए और इसको हम लोग रद्द करने का हम लोग आग्रह करेंगे। मेरा नाम कलावती खड़िया है और मैं खड़िया समुदाय से बिलोंग करती हूँ।
डोकलो शहर से और डोकलो शहर की सचिव हूँ। और हम लोग जो पारंपरिक की आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था शासन व्यवस्था के को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम लोग 12 नवंबर को राजभवन के पास धरना देने की तैयारी में हैं और जोरों से ही चल रहा है। और हम लोग का सपना है कि उस ये धरना में हम लोग सफल बने रहें। मेरा नाम धनेश्वर टप्पो है, पढ़ा संयोजक झारखंड। तो आज टाना भगत अतिथि शाला में जो बैठक रखे हैं इसमें जो है 12 नवंबर को जो राजभवन घेराव है, धरना प्रदर्शन है वहाँ के लिए, तो इस समय जो हम लोग आए थे झारखंड राज्य के समुदाय लोग, उरा मुंडा खड़िया हो संथाली टाना भगत, और ये निर्णय लिया गया कि 12 तारीख को संवैधानिक ढंग से संपूर्ण ढंग से जो 5वें अनुसूची के भीतर पंचायत चुनाव कराने जा रहा है उस पर रोक लगे और यहाँ पर स्वशासन व्यवस्था लागू हो, इसमें हम लोग बात विचार किए। इसमें उस दिन जो आएंगे हम लोग विभिन्न क्षेत्र से आएंगे और पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे और पारंपरिक भाषा श्याम रखेंगे, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि आदिवासी समाज का भी एक सुसज्जित और सुसंगठित समाज है और अपनी जो 26 जनवरी 1950 से संविधान में प्रदत्त 5वां अनुसूची जो अभी तक धरातल पर नहीं है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, आपका आज का रिपोर्टिंग कैसा है सब तरह से? हम लोग का जो बैठक में विचार विमर्श करने के बाद पता चला कि हम लोग का 12 तारीख का जो प्रोग्राम धरना प्रदर्शन प्रोग्राम है उसमें विभिन्न क्षेत्र से तैयारी चल रही है, जैसे कि सरायकेला खरसवां पूर्वी सिंहभूम घटशिला दुमका साहेबगंज हजारीबाग रामगढ़ गिरिडीह लातेहार गुमला लोहरदगा सिमडेगा खूंटी आदि क्षेत्रों से तैयारी चल रही है, रोज दिन मीटिंग चल रही है। और हम लोग का जो इसमें निर्णय होला है उरांव क्षेत्र में 7 तारीख को पढ़ा मीटिंग हो रही है, उसमें मेन मुद्दा है कि 5वां अनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुनाव ना हो और यहां पर पारंपरिक व्यवस्था प्रशासन चले। और इसके साथ ही हम लोग का लातेहार में टना भगत जो कर रहे हैं वो करने को उनका है कि डीसी ऑफिस घेराव कर रहे हैं, हो सके तो तालाबंदी भी करने की बात हो रही है। धन्यवाद। 6 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिला के तालसा गांव में संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सोहराय का तीसरे दिन खुंटाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। गांव के सभी महिला पुरुष भी भाग लिए, गाय बैलों के साथ खुशियां मनाया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से तालसा के माझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू नायके हरिराम मुर्मू विक्रम टुडू कृष्णा हंसदा के साथ सभी ग्रामीण उपस्थित थे।